हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज नैना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेट की साड़ी कैसे पहनते हैं। नेट की साड़ी तो पहनने में वैसे भी बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन वो बहुत डेलिकेट होने के वजह से हमें ज्यादा पिनअप करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो एकदम नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि नेट की साड़ी कैसे पहनते हैं। आप किसी भी फंक्शन में इसे कैरी कर सकते हैं और वैसे भी नेट की साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने जो अभी मैं वीडियो में जो बताने वाली हूँ उसमें मैंने ये जो अभी साड़ी पहनी है यही है, लेकिन इसमें मैंने जो उसका पेटीकोट यूज किया है वो कॉन्ट्रास्ट कलर में यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसकी बॉर्डर पिंक और गोल्डन कलर की है, तो मैंने इसका जो पेटीकोट है वो पिंक सैटिन का यूज किया है। और आप देख रहे होंगे कि ब्लाउज में भी पिंक कलर का मैंने अस्तर लगाया हुआ है। तो ये जो है पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, आप इसे जरूर ट्राई करना। कॉन्ट्रास्ट कलर का नेट की साड़ी में जब सैटिन का कपड़ा दिखाई देता है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। मैंने ये सैटिन का पेटीकोट पहन लिया है और अभी इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और एक टिप्स मैं यहाँ पर दूंगी आपको, ये बात ध्यान में रखना आपको कि ये जो पेटीकोट नहीं, आप जब नेट की साड़ी पहनते हैं तो पेटीकोट के पीछे में प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। पीछे वाला जो पोर्शन है वो प्लेन होना चाहिए और सामने में आप पूरा पेटीकोट ले लीजिए और उसकी प्लीट्स सामने में कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है। अब जैसे हम बेसिक साड़ी लपेटते हैं वैसे ही हमें साड़ी लपेटना स्टार्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की ये पहली टिप्स हैं कि पेटीकोट को हमें सामने उसके जो फ्लेयर्स है वो सामने लेना है, पीछे नहीं लेना है। अब मैंने जो साड़ी का पेटीकोट पहना है वो अपनी जो नाभि है उससे फोर फिंगर्स नीचे पहना है। इस बार मैंने थोड़ा लो पहना है। अगर आपका टमी निकला है तो आप इतनी ज़्यादा लो साड़ी ना पहने, जो नाभि होती है हमारी नॉवेल उससे थोड़ा ही नीचे आप पेटीकोट बांधे और साड़ी पहने तो आपका टमी नहीं दिखेगा। अब मैंने इसे अच्छे से लपेट लिया है एक राउंड, पीछे से अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। ये नेट की साड़ी होती है तो जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नीटली और क्लीनली पहनना होता है। अब मैं पल्लू प्लीट्स बना रही हूँ, पल्लू की प्लीट्स बनाना है तो स्टार्ट करते हैं पल्लू प्लीट्स बनाना। टू फिंगर्स और जो थंब होता है उसके हेल्प से हमें पल्लू प्लीट्स मैं बना रही हूँ। पल्लू प्लीट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है पल्लू प्लीट्स और फ्रंट प्लीट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो नेट की साड़ी होती है इसकी प्लीट्स बनाना थोड़ी हार्ड जाती है मुझे, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा हार्ड जाएंगी। लेकिन कुछ कुछ जो साड़ियाँ होती हैं नेट की, कुछ सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं और कुछ थोड़े हार्ड फैब्रिक होते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये थोड़ा हार्ड फैब्रिक है, तो आप अच्छे से देख के और टिप्स फॉलो करके आप कैसे पहनते हैं साड़ी ऐसा आप कर सकते हो। देन उसके बाद में ये जो पल्लू है प्लीट्स मैंने बना ली है, तो ये अच्छे से सेट कर लेना है इसे अच्छे से झटक झटक के। थोड़ा सा हार्ड होता है इसे सेट करना ताकि जो बाजू से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर ना निकले और वो दिखने में भी अच्छे लगे। इसके बाद अगर आपको हार्ड जा रहा है इसे सेट करने में, तो आप इसे पिनअप करके रख लीजिए। मैंने इसे पल्लू का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे मैंने पिनअप करके रख लिया है ऑलरेडी, ताकि जो आगे की प्लीट्स हैं वो अच्छे से सेट रहे और इजीली बन जाए। तो फिर से मैं एक बार फिर से उसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं पिनअप कर ले रही हूँ। और जो ये टिप्स तो मैंने ऑलरेडी दे दी है आपको कि जो पल्लू का साइज़ है हमें घुटने से नीचे रखना है, उससे हम ज़्यादा टॉल लगते हैं और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी हो जाता है। अगर आपको पल्लू लेना है तो भी अच्छा लगता है वो। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने घुटने से नीचे तक का पल्लू लिया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहनने में।
इसे ये जो पल्लू है नेट का जो फैब्रिक होता है उससे सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रेंड्स अगर आप ट्राई करते हो ये साड़ी पहनना तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आप जो मैं टिप्स बता रही हूँ उसे अच्छे से फॉलो करना और उसी के बाद में आप अच्छे से साड़ी पहन सकते हो। देन इसके बाद मैंने और एक टिप बताई है यहाँ पे कि ये है हमें नेट की साड़ी में कम से कम पिंस का यूज़ करना है क्योंकि साड़ी फटे ना, हम अगर थोड़ा भी खींचा तान कर लेते हैं तो साड़ी फट जाती है या फिर कहीं भी छेद हो जाता है। ये तो मेरे साथ हुआ है, मुझे पहले मैं पहले बहुत ज़्यादा पिंस का यूज़ करती थी, जब मैं न्यू न्यू साड़ी पहनती थी तो मेरी नेट की दो तीन साड़ी ऐसे ही ख़राब हो चुकी है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैं पल्लू वाला पोर्शन ली हूँ वो वहाँ पे थोड़ा सा हमें छोड़ देना है फैब्रिक। देन उसके बाद हमें प्लीट्स बनाना है। अभी मैं प्लीट्स बना रही हूँ, प्लीट्स बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो आप देख सकते हो, इजीली प्लीट्स बन रही है। और यहाँ पर और एक टिप्स ये है कि हमें जो सामने की प्लीट है वो थोड़ी बड़ी रखना है, वो मैंने ऑलरेडी अपने और भी वीडियो में आपको बताया है। क्योंकि जो जब हम सेट करते हैं प्लेट्स तो सामने की प्लेट है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, तो हमें जो सबसे फर्स्ट प्लेट है वो थोड़ी, तो आप देख रहे होंगे इसको अच्छे से सेट करना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है बाजू में वो हमें अब ऐसे ही छोड़ना है। प्लेट्स जो फ्रंट प्लेट्स है वो अच्छे से सेट कर लेना है ताकि वो एक जैसी दे दिखाई। और अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिनअप कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अगर हम नेट की साड़ी में ज़्यादा पिन्स यूज़ करते हैं तो वो फटने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। तो देन ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था, तो ये इसका अभी हमें क्या करना है, प्लेट्स है उसके नीचे से हमें उससे वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसे खींच लेना है। देन इसे अच्छे से सेट कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि ये खींचने के बाद में कितना ज़्यादा टाइट फिटिंग की साड़ी आ गई है और हमें पिन्स का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना पड़ा। नहीं उसके बाद जब मैं दूसरी पोर्शन में मैं उसे खींच रही हूँ तो उसे थोड़ा सा राउंड राउंड करके हमें इसे अंदर टक कर लेना है। देन जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमें अच्छे से टक कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि कितनी टाइट फिटिंग की और कितनी अच्छी प्लीट्स आई है। देन उसके बाद में जब साइड से थोड़ी थोड़ी फ्लेयर्स दिखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देन उसके बाद में मैं एक पिन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं, मैंने सिर्फ दो पिन का यूज़ किया है, एक पल्लू में और ये साड़ी प्लेट्स में। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे साड़ी बहुत अच्छी सेट होती है। और यहाँ पे अगर हम पेटीकोट को पकड़ कर पिनअप कर रहे हैं तो साड़ी फटने का भी ज़्यादा डर नहीं होता है और यहाँ पर खींची नहीं जाती है साड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी टाइट फिटिंग की साड़ी आई है। देन अभी नीचे की प्लेट्स है वो भी हमें उसे अच्छे से सेट कर लेना है। हम इसे खुद से सेट कर सकते हैं, पहले नीचे की जो प्लेट्स है वो पकड़ लीजिए अपने हाथ में और उसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो प्रेस की जैसी पूरी सेट हो जाए। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी प्लेट सेट हो गई है। अब आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक की कितना अच्छा लग रहा है। ये जो मैंने पिनअप की है पल्लू में वो निकाल दे रही हूँ और इसके बाद मैं आपको ब्लाउज़ वेयर करके बताऊँगी। आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मैंने जो पेटीकोट यूज़ किया है वो कॉन्ट्रास्ट कलर में यूज़ किया है, जो उसकी साड़ी का जो बॉर्डर है पिंक कलर उस वो यूज़ किया है। और देन मैंने ब्लाउज़ है उसके फैब्रिक में भी मैंने सैटिन का ही यूज़ किया है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब आप देख रहे होंगे इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ब्लाउज़ वेयर करके मैं बता रही हूँ। आप इस तरह का आइडिया यूज़ कर सकते हैं, आप जो फैब्रिक है कॉन्ट्रास्ट कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और वैसे तो सब्सक्रिप्शंस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं और भी नए नए वीडियोस और आपकी कुछ रिक्वेस्ट है तो वो भी मैं पूरी करूँगी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना।
अब आप देख रहे होंगे कि साड़ी पहनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है और सेट भी अच्छे से हो गई है। कम कम से कम पिन यूज़ करके हम इसे अच्छे से सेट कर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि पल्लू प्लेट्स और फ्रंट प्लेट्स कितने अच्छे से सेट हो गई है। मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है तो इसे फॉलो ज़रूर करना। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू, और जो एक कंप्लेंट थी कि आप ना पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ नहीं बोलते हो, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मेरा थैंक यू। उन्हीं की वजह से तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ और मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। देन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किस टाइप की साड़ी पहनना सीखना है, या फिर मैं वीडियो बनाऊँ उसमें। फ्रेंड्स बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं मेरा वीडियो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।